भाजपा की केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सिंहवाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विरोध मार्च के साथ केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर शोभन बाईपास में एम्स निर्माण पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को बेनकाब करने का फैसला लिया। महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाकर उन्माद की राजनीति पर अंकुश लगाने का आह्वान किया। पूर्व विधायक सह राजद प्रदेश प्रवक्ता ऋषि मिश्र ने कहा, केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास योजना, मनरेगा में कटौती कर ग्रामीण विकास व कल्याणकारी योजना मद में लगातार कटौती कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक अधिकार को कमजोर कर देश को गुमराह करने का कार्य किया है। उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों को केवल मूर्ख बनाया गया है। गैस सिलेंडर व खाद्य पदार्थ के बढ़ते मूल्य ने जनता के बीच त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न कर आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया है। कहा, बिहार सरकार चाहती है कि दरभंगा के शोभन में एम्स अस्पताल का निर्माण हो, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। राजद, जदयू, माकपा माले के प्रखंड अध्यक्ष क्रमशः वासित अली, पप्पू चौधरी, अनिल महाराज, महेश दुबे, सुरेंद्र पासवान के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। मुखिया संघ के संरक्षक अहमद अली तमन्ने, संगठन प्रभारी रामनरेश यादव, किसान नेता सुधीर कांत मिश्र, गणेश चौबे, जदयू महासचिव अमजद अब्बास, अनिल मिश्र, राहुल झा, अमरेंद्र यादव, अतीक अहमद ने संबोधित कर कहा, संविधान बचाव कर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में आंदोलन करने की आवश्यकता है। उसके लिए वो व्यक्ति खाली जो 24 घंटा झूठ बोलता हो तो वो पार्टी हमारा और आपका कैसे हो सकता है। हम लोग से भी गलती हुआ होगा, हम नहीं मानते, हम इस बात को मानते हैं गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते, समाज में बंटवारा नहीं करते। ये देश जो है 70 साल से चल रहा है, 2014 के बाद भारत नहीं बना है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बोलते हैं, 2014 के बाद ये देश नहीं है। इस देश को बनाने में हजारों लोग जेल गए, हजारों लोग शहीद हुए, उसके बाद ये देश बना। और इस देश को बनाने में जो आज 140 करोड़ जो लोग हैं, समाज के हर एक वर्ग का योगदान है। मुसलमान के प्रति नफरत फैलाते हैं आप, अरे मोतियाबिंद हो गया इन लोगों को। आज के दिन में हम और आप हिंदू हैं, इस देश में हैं, इसमें योगदान हमारा और आपका नहीं है, क्योंकि हम हिंदू परिवार में पैदा लिए हैं, इसलिए हम इस देश में हैं, इसलिए हम भारतीय हैं, और हम अपने देश को देश के लिए जान दे सकते हैं। मुसलमान के बारे में बोलते हैं, मुसलमान जो आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है, दे आर इन इंडिया बाय देयर चॉइस, उन्होंने फैसला किया 1947 में, नहीं, हमको अपने भारत से प्रेम है, हमको अपने हिंदुस्तान से प्रेम है। उन लोगों ने फैसला किया कि हमको इस देश में रहना है, इसलिए आज उस देश में हैं।